మొదటిసారిగా ఈ వైరస్ సోకిన కేసెస్ అన్ని వుహాన్లోని చేపల మార్కెట్ ప్రదేశం దగ్గరగా ఉన్న వారికి సోకింది కాబట్టి ఆ చేపల మార్కెట్ని క్లోజ్ చేశారు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ వైరస్ వుహాన్ మార్కెట్లో అమ్మే గబ్బిలం సూప్ తాగడం వల్ల గబ్బిలాల నుండి మనుషులకు ఈ వైరస్ సోకిందని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు, ఆ ప్రాంతంలో పాములు కూడా తింటారు కాబట్టి పాముల నుండి వచ్చిందని ఇంకొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు అనుకుంటున్నారు. కరోనా వైరస్ సార్స్ వైరస్తో 70% మ్యాచ్ అవుతుంది, మిగిలిన 30% ఇది రూపాంతరం చెంది ఈ సార్స్ వైరస్సే 2019 ఎన్సీఓవి వైరస్గా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ వైరస్ సోకిన వారికి ఇప్పటికీ ఏ మందు ఇంకా తయారవ్వలేదు. ఇది సోకకుండా ఉండడానికి ఏ వ్యాక్సిన్ ఇంకా కనిపెట్టలేదు. మోడర్నా అనే బయోటెక్నాలజీ కంపెనీ మాత్రం ఈ వైరస్కి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడంలో చాలా బిజీగా ఉంది. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद को इस जानलेवा नोवल कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं. क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है तो खुद को बचाना ही सबसे अच्छा उपाय है. सबसे पहला, अपने हाथ ज्यादा से ज्यादा बार धोएं, साबुन का इस्तेमाल करें और कम से कम 20 सेकंड तक धोएं. दूसरा, छींकने या खांसने से ये बीमारी फैलती है तो इसलिए आप हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करें. अगर नहीं पॉसिबल तो इस तरीके से ना छींक कर इस तरीके से छींकें, क्योंकि हमारे हाथ हर जगह टच करते हैं और ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा हैं. तीसरा, अपने हाथ आँख नाक या मुंह पर लगाने से पहले इंश्योर करें कि वो साफ हैं. चौथा, अगर आप पब्लिक प्लेसेस अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड करें. पांचवा, किसी भी बीमार व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाकर रखें. छठा, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसे प्लीज़ प्रॉपरली कुक कर कर खाएँ. और सातवा, अगर आपको लगता है कि आपका गला ज़्यादा सूख रहा है तो प्लीज़ पानी पीते रहें और अपने गले को हाइड्रेटेड रखें. ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. बी सेफ एंड बी हेल्दी गाइज. थैंक यू. इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट बताऊंगी. तो खबर ये है कि चाइना की वुहान नाम की सिटी जहां से इस जानलेवा कोरोना वायरस का आउटब्रेक शुरू हुआ था, वहां से 324 इंडियंस को वापस लाया जा रहा है एयर इंडिया की एक फ्लाइट में, जो कि 1 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है. इस फ्लाइट में 5 डॉक्टर्स की टीम गई थी जो कि दिल्ली के RML हॉस्पिटल से थे और पायलट और कैबिन क्रू भी गए थे. तो आप लोगों को अ ग्रेट थैंक्स, बिकॉज आप लोगों ने अपने इन्फेक्टेड होने की टेंशन ना लेते हुए औरों की हेल्प करने का सोचा. एंड थैंक्स टू द चाइनीज गवर्नमेंट एज वेल, बिकॉज उन्होंने इंडियंस को वापस आने का अलाउंस दिया. तो इस फ्लाइट में जितने भी लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी प्रॉपर 2 हफ्तों तक और सिम्टम्स देखे जाएंगे. अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा. तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ प्रिवेंशन का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें. थैंक यू. बी सेफ, बी हेल्दी.